सो ये लो भाई, ये रही अपनी फर्स्ट विंटेज कार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, भाई की खुशी का तो ठिकाना ही ना है, देख रहे हो। अरे भाई डांस वांस करने लगा यार, भाई हॉक स्टेप यार बढ़िया 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 कर रहा है यार भाई। अरे भाई कबूतर वबूतर बन रहा है यार। अरे भाई साहब, अरे भाई कैसे करके मारनेगा। अरे भाई चकरी वकरी बन रहा भाई, क्या है भाई, क्या राज है भाई की खुशी का। चलो जो भी है देखते हैं, कुछ तगड़ा ही होने वाला है। और गाइस तुम लोग ज़रा पीछे का वेदर चेक करो, क्या ही सेक्सी वेदर हो रहा है ना। और आज भाई मैं ले कर निकला था भाई अपनी थार, क्योंकि भाई अपग्रेड तो करा रखी है और वैसे भी खड़े खड़े इसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, तो मैंने सोचा मैंने कि चलो आज ज़रा अपनी थार चलाई जाए। और मौसम भी बढ़िया हो रहा तो थोड़ा सी गेड़ी मार के आते हैं। और तुम्हें ना एक चीज़ बतानी है, तो पहले हाईवे पे पहुँच रहा हूँ, उसके बाद आराम से तसल्ली में ड्राइव करते हुए बताऊँगा। हाँ तो गाइज़ मैं क्या सोच रहा था कि भाई कुछ अब यूनिक करा जाए, कुछ तगड़ा ही करा जाए, मतलब कि जो अभी तक ना हुआ हो। सो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि भाई अभी अपने पास कौन कौन सी कैटेगरी की कार्स हैं। एक अपने पास अभी रिसेंट अपने ख़रीदी है इटालिया 458, और सेकंड है अपने पास कौन सी, एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है और एक है स्पोर्ट्स कार। तो यार अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ अलग यूनिक सी कैटेगरी ख़रीदी जाए कार में, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हो और बहुत ज़्यादा एपिक हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं ख़रीदने वाला हूँ, क्या ख़रीदूँ वैसे, तुम लोग बताओ कमेंट करके यार, तुम बताओ कि और कौन सी कैटेगरी ख़रीद जाए। वैसे एक मेरे माइंड में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसे ही ख़रीद लूँ। सो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ भाई अपनी पहली विंटेज कार, समझ रहे हो, विंटेज कार ख़रीदने जा रहा हूँ। मतलब कि अब उससे ये तो तुम मत रखना उससे कि भाई मैं उसका टॉप स्पीड चेक करूँगा या फिर स्टॉक स्पीड चेक करूँगा, उसमें टॉप स्पीड तो निकलेगी ना भाई, विंटेज कार है यार, भगाने के लिए तो बनती ना, वो विंटेज है, लग्जरी कार है, तो उसमें क्या करेंगे उसमें भाई। फिर उस वाली कार को ख़रीद के ना उसमें मैं तुम्हें ना ये जितना भी मैप है ये सारा का सारा घुमाऊँगा, पर इस वाली वीडियो में नहीं, वो तुम्हें घुमाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज का टॉपिक मिल चुका है, आज मैं ख़रीदने जा रहा हूँ अपनी फ़र्स्ट विंटेज कार। और वैसे मैंने देख रखी है कि मेरे को कौन सी विंटेज कार चाहिए, अपने बजट में कौन सी आ जाएगी, तो उसी कार को ख़रीदूँगा। और इससे ये होगा कि भाई एक और कार अपनी कलेक्शन में ऐड हो जाएगी अलग कैटेगरी की, और देखते हैं भाई उसको भी कैसा कंफर्ट जोन रहेगा उसका, क्या है देखते हैं। तो फिर अभी मैं मिलता हूँ सीधा तुम्हें गैराज में, पर उससे पहले ना यार वेदर के लिए एक लाइक मार देना, क्योंकि इतना बढ़िया वेदर हो रहा है। और यार तुम ही बताओ, इतने मस्त वेदर हो रहा है और अपनी गाड़ी क्रूज़ कर रही है 120-140 पे, तो भाई सारे के सारे लाइक मार देना, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ तुमसे सीधा गैराज में। ये लो भाई, ये मैं आ गया गैराज में, और अभी ज़रा देखने दो किधर है वो अपनी विंटेज कार। ऐसे किस में थी, मैंने US में देखी थी ना, एक मिनट US में डाल के देख रहा हूँ। US भाई एक चीज़ बताओ यार, ये थार US में कब से आने लगी है यार, ये अलग ही सीन चल रहे हैं, अलग ही गेम ने नशे कर रखे हैं। ये हमर हो गई, ये डॉज हो गई, और ये पता नहीं कौन सी कार है, और ये भी पता नहीं कौन सी कार है, और ये भी पता नहीं कौन सी है, और ये भी पता नहीं कौन सी है, ये भी विंटेज है पर ये वाली नहीं है, और ये सब आ गए हैं भाई पिकअप ट्रक, ये भी पिकअप ट्रक, ये वाली कौन सी कार है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये आ चुका है एक और पिकअप ट्रक, ये कैडिलैक, ये भी कैडिलैक, और ये भाई ये रही अपनी कार। तो भाई मैं ये वाली कार ख़रीदने वाला हूँ, और ज़रा तुम लोग बताओ कि ये कार तुमने कहीं देखी है, कहीं जानी पहचानी से लग रही है ना, ज़रा बताओ यार, कमेंट करके बताओ कि तुमने ये कार कहाँ देखी है। और अगर मैं तुम्हें हिंट दूँ, चलो ये बताओ किस किसने कार्स मूवी देखी है, कार्स मूवी में मैं यही वाली कार है, ज़रा उसका नाम बताना, उस कार का नाम क्या था, ठीक है। तो भाई ये देख लो, तुम्हारे सामने परचेज़ कर दिया कार, और अब मैं इसको सीधा लेके चलता हूँ उधर हाईवे पे, मिलता हूँ और फिर मैं तुम्हें सुनाता हूँ इसका स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट, या फिर थोड़ी सी रेव करके सुनाऊँगा। सो ये लो भाई, ये रही अपनी फ़र्स्ट विंटेज कार, और देख सकते हो भाई थोड़ी बड़ी सी है, बॉडी बढ़िया, और टायर्स के छोटे छोटे से हैं, पर यार टायरों में और भाई साहब डिस्क ब्रेक लग रहे हैं, स्पोकन व्हील हैं आगे, तो भाई डिस्क ब्रेक है ना दोनों में, अरे भाई साहब, और पीछे वाले में भी है मुझे लग रहा है, पीछे वाले में भी हैं क्या, ये देखने दो, अरे 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 भाई पीछे वाले में है और स्पोकन व्हील हैं, पर यार टायर छोटे छोटे हैं और इसकी बॉडी कुछ ज़्यादा बढ़िया, पर कोई नहीं। और कोल्ड स्टार्ट तो तुमने देख लिया, कोल्ड स्टार्ट कैसा है, और मैं इसको अब रैप करके सुना रहा हूँ तुम्हें, तो देख लो ज़रा ऐसे कुछ रेव कर रही है अपनी कार। तो ये होती है भाई विंटेज कार, और इसमें कोई इतनी खास पावर वावर होती नहीं है जैसे कि तुम लोग सोच रहे हो,
कि भाई मैं इसका स्पीड टेस्ट कर दूँ। ऐसे मैं क्या सोच रहा हूँ, उसका स्पीड टेस्ट भी करूँगा पर अभी नहीं, पहले ना तुम्हें ये सारी के सारी घुमाऊँगा, ये जितनी भी है, ये जितना भी बड़ा मैप है सब कुछ घुमाऊँगा इस वाली कार में। भाई आराम से बैठेंगे, मज़े लेंगे, थोड़ा चाय नाश्ता, थोड़ा सा मौसम बनाएंगे अपना बढ़िया सा, और उसके बाद थोड़ा इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, पर इस वाली वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो उसमें देख लेना। सो गाइस, अब टाइम है भाई कार को चलाने का, ज़रा देखें तो सही क्या है विंटेज कार में ऐसा। सो, चलो भाई आराम आराम से चलाऊंगा, कोई भगाना भगूना नहीं करूँगा, आराम से क्रूज़ करता हुआ चलूँगा। वैसे भी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है तो मौसम के मज़े लूँगा और कार के भी मज़े लूँगा। सो, देखते हैं भाई क्या है विंटेज कार में ऐसा, जो कि सब लोग इसे ही प्रेफर करते थे पहले के टाइम में। सो भाई कार तो अभी स्मूथ चल रही है एकदम, कोई मैं इसको भगा रहा ना हूँ, आराम से चला रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। देख लो 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ बढ़िया। और भाई अब पता चला कि ये जो पुराने टाइम में जो बड़े लोग थे, ये इस वाली कार को या इन वाली कार को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि भाई इनके अंदर है कम्फर्ट, इनके अंदर है भाई लग्जरी। सो इसलिए वो इन वाली कार को वो बहुत ज़्यादा क्या करते थे, वो चूज़ करते थे। तो भाई वैसे यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि तुम्हें मेरी नई वाली विंटेज कार अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो यार वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में भाई तुम लोगों को घुमाऊँगा मैं पूरा मैप इस वाली कार के अंदर, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।